बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत फजल शुक्र के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो मैंने सोचा वो गंदम की फसल मैंने उगाई है, बाहर जाते हैं साथ वो देख लेते हैं, साथ ही कोई इंजॉयमेंट हासिल करते हैं। तो अभी मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, मेरे साथ है जुनेद और मैं और जुनेद फारिग थे, मैंने सोचा बाहर की तरफ चलते हैं। तो मेरे साथ जुनेद आ गया, तो जो हमने गंदम की फसल थोड़े दिन पहले उगाई थी वो देखने आए थे, वो हुई है कि नहीं हुई वो देखना आया। तो ये तकरीबन 10 दिन पहले ये जो गंदम की फसल है ना, इधर बीज डाला था, उगाई थी। तो अभी ये देखें आप, ये भी आप देखें प्रॉपरली तौर पर तो नहीं होगी जो है ना, ये देखें हुई अभी तो वैसे ही है अभी इतनी कोई। जो मैंने फसल उगाई हुई गंदम की फसल थी, ये वो मेरी ज़मीन है, ये देखें ये साथ। तो अभी मैं अपनी जो है, मैंने सोचा था यार अगर देखते हैं फसल मुकम्मल तो पर उग गया तो उसको पानी लगाता हूँ, क्योंकि ये साथ ही पीटर चला हुआ है। तो अभी साथ जुनेद है तो जुनेद का भी पानी रहने दें, क्योंकि अभी पानी जो है 10 से 15 दिन बाद लगाना, क्योंकि अभी 50% जो है ना वो फसल हुई है और 50% नहीं हुई। तो अभी हैं वो है जुनेद का, तो अभी जुनेद को कहते हैं थोड़े दिन बाद में लगा देना पानी। ये अभी हम पहुँच गए पीटर की तरफ, ये सामने चला हुआ है। थे वहाँ से पानी पिया, मुंह वगैरह धोया, तो उधर से तो हम आ गए। तो उसके साथ ही ना जिधर हमने सरों उगाई हुई है, सरों के साथ जवी वगैरह चारे के लिए फसल लगाई हुई है, उधर जाकर देखते हैं उसको जानवरों के डालने वाला हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ आकर हम बैठ गए हैं इधर, तो ये वो फसल है जुनेद साहब की, ये देखें देखें यहाँ उगाई हुई है सरों वगैरह, ये देख सकते हैं आप सरों, ये देखें छोटी सी है सरों, एक महीना से लग जाना काटने के जब काबिल होगा, लेकिन एक महीना जो हमने बसीम की फसल उगाई थी, चारा उगाया था, ये वो चारा जो जानवरों को डालने के लिए काटना है हमने, तो भी छोटा सा ही है, लेकिन एडवांस हो जाए, ये देखें ये होगा एडवांस कुछ दिन पहले हो जाएगा इसका। काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इसमें बीज
तो ये वो सरसों है जो खाने के काम आती है, साग जिसे बोला जाता है पंजाबी जबान में साग, ये इसका साग भी खाया जाता है। तो जब ये बड़ी होती है इसका देसी तेल सरों है ना, जिसका सरों का तेल या देसी तेल जिसे बोला जाता है गाँव वाली जबान में देसी तेल बोला जाता है, इसका देसी तेल भी बनता है। तो ये साग जवी है जिसे गंदम की फसल बोलते हैं। ये देखें तो ये इसकी वो सामने ये वो है पीटर है, उसकी मदद से इसको पानी लगाया था। तो पहले वाला जो पीटर था वो सा ये वो दूसरी पहले उनका ये बेनिफिट हो गया कि अभी ये वाला ये हमारा, और ये देखिए अभी ये इसको तकरीबन 2 महीने लग गए, थोड़ा सा निकला दूर से। लेकिन जिन लोगों ने पहले एडवांस लगाया था उनको ये फ़ायदा हो गया कि ये देखिए उनका सबज चारा जो जानवरों के लिए रेडी हो गया, इनको ये बेनिफिट हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चारा है, कितने खूबसूरत पट्टे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।